हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ है हेमंत अग्रवाल। तो डियर, आज हम आपके लिए हमारे गुरु नीति का जेई का जो नेक्स्ट वीडियो है ग्रेविटेशन, वो लेकर आए हैं। अभी तक हमने यूनिट डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक का पार्ट कंप्लीट किया है और आज हमारा नेक्स्ट जो 10th वीडियो है दैट इज फॉर ग्रेविटेशन। स्टार्ट करें सर। बिल्कुल, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है दैट वाल्डन इज स्लोली लिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए हाइट आर is equal to 2 times the work done in lifting the same body from the earth surface to a height small h, where small h is equal to, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि बॉडी को अर्थ सरफेस से एक टाइम तो अपन कैपिटल आर डिस्टेंस तक लिफ्ट करके लेकर गए स्लोली, और दूसरे केस में हम बॉडी को अर्थ सरफेस से स्मॉल एच हाइट तक लिफ्ट करके गए। इसमें वर्क डन की वैल्यू है W1 और इसमें वर्क डन की वैल्यू है W2। The relation is like W1 is equals to 2 times of W2. ये work done की value है। तो work done जो है, that is change in potential energy। External की बात कर रहे हैं तो U final minus U initial, और gravitation की बात की होती तो U initial minus U final। तो इस वाले केस में यदि U final की बात करें तो अर्थ सरफेस से बॉडी की जो फाइनल डिस्टेंस है उसकी रेडियस के इक्वल, मतलब सेंटर से जो हाइट होगी, डिस्टेंस होगी, दैट विल बी 2r। सो दिस विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 times व्हेन वी आर लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम स्मॉल h हाइट। सो दिस वैल्यू इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r प्लस h minus u initial, that is minus z capital M small m divided by r। तो यहां से यदि अपन इसको सोल्व करेंगे minus minus plus, this is complete half, तो g capital M small m तो सारे टर्म से कैंसिल आउट हो गया अपने पास। दिस वैल्यू कम्स एज 1/r minus 1/2r, that is 1/2r। हियर दिस वैल्यू इज 2 times, दिस इज 1/r minus 2/r plus h। तो हमें यहां से, सॉरी, दिस वैल्यू इज नॉट 2 + r, दिस इज 1/r + h। हमें यहां से h की वैल्यू सोल्व करनी है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे यदि अपन मूव कर लें, दिस वैल्यू इज 1/2r इक्वल्स टू 2/r माइनस 2 times r + h। इधर लेकर आए 2 times r + h, दिस वैल्यू इज 2/r माइनस 1/2r, दैट इज 3/2r। So here, from here, this is 4r, this value is 3r, and this is 3h. So from solving, we get h is equals to r divided by 3. मतलब इस केस का जो करेक्ट आंसर अपना होगा, that is the second one is the correct answer। चलिए सर, बढ़ाए वाले क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सर। चलिए second question करते हैं। A satellite is revolving around Earth with orbital speed v0. If it stops suddenly, the speed with which it will strike the surface of Earth would be, ठीक है? तो question कुछ इस तरह से है, ये हमारा Earth है, let's say Earth का radius capital R है, और एक orbit है ना? ये जो orbit है, इसका radius हम लोग small r मान लेते हैं, और यहाँ पर एक satellite है, जो कि v0 speed से move कर रहा है, और suddenly हमने इस particle को यहाँ पर satellite को stop कर दिया। तो ये सैटेलाइट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ आएगा और अर्थ को हिट करेगा। तो लेट्स से हमने जब सैटेलाइट यहां पर था तो इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया, और अब ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ को हिट करेगा, लेट्स से वेलोसिटी v से। तो हमें ये स्पीड v निकालनी है, तो हम क्या करना चाहते हैं, है ना? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो है हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन लिखें। इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली m by 2 यहां से कैंसिल हो गया, m by 2 यहां से कैंसिल हो गया, और ये m by 2 यहां से कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे v square
तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R, 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस, है ना, माइनस 2gm डिवाइडेड बाय स्मॉल R, 2gm डिवाइडेड बाय स्मॉल R, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है ये एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लिखें तो लेट से अगर हम फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फोर्थ वन, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है दैट अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ एसेंट्रिसिटी ई, इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, देन द टाइम स्पेंट बाय द प्लैनेट बिटवीन द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस इज क्लोज्ड टू द सन इज। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है सर कि ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये जो माइनर एक्सिस के जो दो पॉइंट्स हैं ये वाला और एक ये वाला, जब प्लैनेट इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर मूव करता है देन वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम, कितना टाइम देना है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए कोमा जीरो, ये अपने पास होता है बी और ये अपने पास होता है ए, सॉरी इट इज ऑल्सो बी, दिस वन इज ए। तो इसका जो टोटल एरिया होता है दैट इज पाई ए बी, बिल्कुल। और इसमें लॉ ऑफ एरिया अपन अप्लाई करते हैं कि सेम एरिया कवर करने में सेम टाइम लगे, सेम टाइम लगता है। तो फर्स्ट मेरे को ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन का एरिया कितना है, यदि वो एरिया कैलकुलेट हो गया तो टाइम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस एरिया के लिए यदि मैं बात करूं तो मैं इधर वाला एरिया देख लूं, ये जो एरिया है हाफ एलिप्स जो है पाई ए बी बाई टू, बिल्कुल, और ये वाला जो एरिया है पाई ए बी माइनस पाई ए बी डिवाइडेड बाई टू प्लस हाफ ए इंटू टू बी, मतलब मैंने ये वाले ट्रायंगल का और एक इलिप्स का एरिया देख लिया, उसको माइनस कर, बिल्कुल माइनस किया, तो ये वाला एरिया मेरे पास आ रहा है दैट वैल्यू इज पाई ए बी डिवाइडेड बाई टू माइनस में ई ए बी। इसमें मेरे को इस एरिया का टाइम कैलकुलेट करना है, तो सेम एरिया सेम टाइम, तो टाइम अपने पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू इसका एरिया दैट इज पाई ए बी डिवाइडेड बाई टू माइनस ई ए बी डिवाइडेड बाई कंप्लीट एरिया एंड द कंप्लीट एरिया इज पाई ए बी। तो यूनिट एरिया का टाइम अपने पास था, मतलब उस एरिया का टाइम मल्टीप्लाइड विद कैपिटल टी अपन ने किया, भाई मैंने क्या कि पाई ए बी एरिया में टी टाइम, तो यूनिट एरिया में टी अपॉन पाई ए बी, तो इस एरिया में मल्टीप्लाइड विद दिस, तो पाई ए बी से यदि अपन इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इक्वेशन कम्स एज 1 बाई 2 माइनस टी अपॉन पाई इंटू कैपिटल टी। तो इसमें टाइम जो लगेगा उसकी वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो सर इस वीडियो में एक्चुअली अपन ने किया क्या है कि मेनली ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्लैनेटरी मोशन के जो क्वेश्चंस है उनमें बड़ा एहसास फील करता है, मतलब फोर्स वाले पोटेंशियल वाले वो क्वेश्चन बहुत इजीली बना लेता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में किए हुए होते हैं, पर प्लैनेटरी मोशन के जो क्वेश्चंस है जनरली उनमें बहुत दिक्कत फील करता है। तो अपना मेन ओरिएंटेशन भी यही है कि ग्रेविटेशन जब कंप्लीटली कवर हो तो फिर प्लैनेटरी मोशन के क्वेश्चन मैक्सिमम रहे ताकि एग्जाम ओरिएंटेड बात हो, सब क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, बिल्कुल इसी से ज्यादा आते हैं। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। इफ अ पार्टिकल स्केप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इनसर्कल्ड बाय द रिंग 2r देन ve विल बी, है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि r रेडियस का, है ना, r रेडियस का एक स्फीयर है और 2r रेडियस का एक रिंग है, ठीक है, और दोनों का मास इक्वल है और यहां से हमें एक पार्टिकल को स्केप कराना है, तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहां पर अगर हम टोटल एनर्जी लिखे और उस टोटल एनर्जी को इनफिनिटी की टोटल एनर्जी के बराबर कर दें, ठीक है, इनफिनिटी पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगी और इसको इतनी वेलोसिटी दे दें कि भाई वो वहां तक पहुंच भर जाए पहुंच के रुक भी जाए तो कोई बात नहीं है, है ना, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए। तो इनफिनिटी पे जो है, इन शॉर्ट हम ये कहें कि इनफिनिटी पे टोटल एनर्जी जीरो हो जाए,
ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी रिंग के लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 2R, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। और अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 इंटू जी एम एम डिवाइडेड बाई R, और इन सबको जीरो के बराबर कर दें क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी हम जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहां से m बाई 2 और ये m बाई 2 और ये m बाई 2 यहां से कैंसिल कर ले, तो यहां पे हो जाएगा VE स्क्वायर is equal to gm by r minus, और minus minus दोनों है, तो हो जाएगा 3 gm by r, तो हो जाएगा 4 gm divided by r, तो ये escape velocity कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 times root gm by r, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है four. ये फोर्थ हो गया, बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है that a cell is fired vertically from the earth with a speed ve by n, where n is the some number greater than 1 and ve is the escape speed from the earth. Neglecting the rotation of the earth and air resistance, the maximum altitude attained by the cell will be, मतलब हमने एक अर्थ सरफेस से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और अर्थ सरफेस से इस बॉडी की मैक्सिमम अटेंडेंट हाइट जो है, I have to calculate this height. तो हमने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, दैट वेलोसिटी इज ve डिवाइडेड बाय n, ve इज द एस्केप वेलोसिटी, तो ये वाली वैल्यू अपने पास सोल करने पर अंडर रूट 2 gm अपॉन r, बिल्कुल। और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, दैट मींस एट दैट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज जीरो। अब बॉडी यहां से यहां मूव कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r, initially kinetic energy half m v square that is v square by n square, and that value is 2 gm divided by n square r square. And here when it is at a height h from the earth surface, its potential energy is minus g capital m small m upon r plus h. So in terms of g capital m small m cancel out ho gaya, 2 cancel out ho gaya, तो ये डाटा जो मेरे पास है, दिस विल बी नॉट आर स्क्वायर, दिस इज आर, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, सो सिंपली इट इज 1 अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर आर, तो एलसीएम लेकर सोल्व करने पर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आर, एच कैलकुलेट करना है इससे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, n square r is equals to n square r minus r plus n square minus 1 into h. तो n square r से तो अपना n square r सही हो गया, और small h की value जो अपने पास आ रही है, that is coming as r upon n square minus 1. This will be the maximum height attained by the body from the earth surface. तो correct answer जो अपने पास आ रहा है, the correct answer is the third one. चलिए सर बात को आगे बढ़ाएं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और फेमस सा सवाल है ना, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अ स्ट्रेट टनल इज डग इनटू द अर्थ एज शोन इन फिगर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम इट्स सेंटर, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, द टाइम इट टेक्स टू रीच द अदर एंड इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टनल डक किया है और एक पार्टिकल को हमने यहाँ से छोड़ दिया, तो हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। छोटी सी बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले है ना, मैं आपको याद दिलाऊं, यदि हमारे पास एक कोई प्लैनेट है ना, सॉलिड है बिल्कुल, अर्थ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग एक टनल डक करते हैं, चाहे यहाँ टनल डक करें या फिर हम यहाँ पे टनल डक करें, है ना, तो और इस पार्टिकल को यहां छोड़ दें तो ये यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, इस पार्टिकल को यहां छोड़ दें तो ये यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक जाएगा, है ना। इन दोनों ही केस में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है, ठीक है। अगर आपको उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, लेट्स से ये हमारे पास ये हमारा अर्थ है और यहां हमने एक टनल डग किया है, ठीक है, और मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस b है और अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस r है, और किसी इंस्टेंट पर
इस पार्टिकल को जो हमने यहां से रिलीज किया होगा, लेकिन किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा, ठीक है। जब पार्टिकल यहां पर होगा, ठीक है, और हम देखते हैं इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा होगा, ठीक है। इस पार्टिकल के ऊपर अगर हम फोर्स देखेंगे तो एक तो फोर्स इस तरफ लगेगा mg जो है वो इस पॉइंट पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, बिल्कुल सर, ठीक है। मे बी अगर हम देखें, अगर मैं इस वाले एंगल को अगर हम लोग थीटा माने, ठीक है, इस वाले एंगल को अगर हम थीटा मानेंगे तो mg का कंपोनेंट जो है, लेट्स से एक कंपोनेंट हम लोग इस तरफ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं mg sin थीटा, sin थीटा, और एक कंपोनेंट हम लोग इधर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं mg cos थीटा, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस तरफ, क्योंकि इस mg sin थीटा के कारण ये पार्टिकल जो है, ये वाला जो टनल का वॉल होगा, है ना, ये वाला टनल का वॉल एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है mg sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, है ना, इस पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो mg cos theta के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे m into, है ना, यहां से हम लोग लिख लेते हैं m into g के बदले क्या लिख लेते हैं, g के बदले लिख लेते हैं सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी into small r divided by capital R। small r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, capital R जो है इसका रेडियस है। तो सेंटर से डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये स्मॉल r होगा। तो हम लोग ये डिस्टेंस जो है पार्टिकल से लेके सेंटर तक का, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग x मान लें तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो x / स्मॉल r हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी x डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो यहां से हम लोग फोर्स क्या लिखेंगे, मे बी ये स्मॉल r और स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m into g नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल R into x, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब डायरेक्ट अब ध्यान से अगर देखें तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टनल के सेंटर की तरफ है, और अगर हम लोग x टनल के सेंटर से मेजर करेंगे तो ये फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब है कि ये जो है ये SHM का इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो SHM का इक्वेशन बन गया, तो SHM में टाइम पीरियड लिख लेते हैं 2π अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k, और ये जो ब्रैकेट में चीज है mg नॉट बाय r ये k के बराबर है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे mg नॉट डिवाइडेड बाय r, ये k के बराबर है। तो ये टाइम पीरियड हो गया 2π अंडर रूट R divided by G naught, ये time period आता है। और ध्यान से देखिए ये time period B से independent है, है ना? इसका मतलब आप tunnel जो है वो उसके diameter के along करें या किसी और उसके parallel अगर कोई और tunnel बनाए, किसी भी position में time period same आएगा, ठीक है। अब question में क्या पूछा है, और ये जो value होती है ना, ये value लगभग 84 minute के बराबर होती है, है ना? बिल्कुल चले। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम इसका आधा लगेगा, तो ये लगभग 42 मिनट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। तो आंसर कर देखे तो ये पहला आंसर हो जाएगा 42 मिनट। चलिए सर आगे बढ़ा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 7th में बोल रहा है, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass small m from the surface of a planet of mass capital M and radius capital R in a circular orbit of altitude 2R. Altitude 2R, that means center से distance 3R. ये जेई में, इसमें जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल सा, कि इसमें एक कंसेप्ट की यदि कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2R। तो इस वाले केस में हम जब उसे 2R एल्टीट्यूड पर लॉन्च कर रहे हैं दैट मींस द रेडियस इज 3R and initially it is on the earth surface, so let's suppose ki by initially yadi apan baat kar rahe to initial energy to hogi minus g capital m small m but initial potential energy bas aur hame usko kuch extra energy provide karni hai, let's suppose ki humne us satellite ko e energy provide karwa di jisse ki wo 3r radius ke circle mein launch ho gaya, 3r ki baat kare to minus g capital m divided by capital m small m divided by 2 times of radius of the circle that is 3r. So the total energy from this point, this is 1, this is 1 by 6. So 5z capital M small m divided by 6R. So the required total energy is this one. First one is the correct answer. चलिए सर आगे बढ़ाएं। 8th question. देखिए ये जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ना? The question is, a planet of radius R equal to 1 by 10 times the radius of Earth has the same mass density as Earth. ठीक है, साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ रेडियस आर बाय फोर आर बाय फाइव
on it and lower a wire of same length and of linear mass density to 10 to the power minus 3 kg per meter into it. Okay. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by the person holding it in place is. Okay. Earth का radius दे रखा है, earth पर है ना, earth का radius दे रखा है और earth पर acceleration due to gravity की value दे रखी है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये radius जो है earth का है, उस planet का नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस question को solve करते हैं। चलिए next page पे move करें। तो देखिए, ये हमारा planet है ना, ये हमारा planet है और इस planet का जो radius है वो r है। मे बी हमने यहां पर हमने एक टनल बनाया, ठीक है, और इस टनल का जो डेप्थ है वो r by 5 है। तो अगर हम यहां से ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 4r by 5 के बराबर होगा, ठीक है, और यहां से जो यहां तक का ये वाला डिस्टेंस होगा ये r के बराबर होगा, ठीक है। और हमने क्या किया, इस टनल में यहां पर यहां से यहां तक हमने एक वायर डाल दिया है और इस वायर का हमें फोर्स लगाना है ग्रेविटी के कारण, ठीक है। एक चीज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ इस प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीपी है, ठीक है, ठीक है। और यहां से यदि हम स्मॉल आर डिस्टेंस जाएं, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस जाएं, ये छोटा सा डिस्टेंस अगर यहां पर डीआर लें, इस छोटे से डिस्टेंस डीआर पर जो फोर्स लगेगा है ना, अगर हम लोग इस छोटे से डिस्टेंस डीआर पर जो फोर्स लगेगा, अगर इसे हम लोग डीएफ माने तो ये df किसके बराबर हो जाएगा, ये मास हो जाएगा dm into इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये df हम लोग लिखना चाहते हैं, df हो जाएगा lambda into dr into g, सॉरी नॉट g, और g की वैल्यू हो जाएगी gp into small r divided by capital R, ठीक है। और अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर ले, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 4r by 5 से लेकर के कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहां से फोर्स हमें F मिल जाएगा, F क्या हो जाएगा, लैम्डा GP डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये हो जाएगा लैम्डा GP डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। और r dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2, है ना, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर बाय 15, तो ये सॉल्व होकर के हो जाएगा 9 R square divided by 25, है ना? ये solve करके इतना हो जाएगा। तो ये हमारा ये force आ गया, ठीक है। बस हमें अब करना क्या है? ये जो capital R है और acceleration due to gravity है, इसे हम लोग earth के terms पे लिखना है, इस planet के terms पे नहीं, ठीक है? तो हम लोग in general acceleration due to gravity किसी planet के surface पे क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं gm divided by radius का square। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं g divided by रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, यहां पे तो वो आएगा। हाँ, तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस जो है ये 1/10 टाइम्स है, ये जो रेडियस आर है ये अर्थ के रेडियस का 1/10 टाइम्स है। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो जीपी होगा ना, ये भी अर्थ का रेडियस, अर्थ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे तो जीई डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय 10 के बराबर होगा, है ना, और जी 10 है तो ये 1 हो जाएगा, है ना, ये बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। और आर अगर यहां से देखें, देख आर और आर कट जाएगा, तो आर की जो वैल्यू है वो आर ई बाय 10 है, तो आर ई की वैल्यू जो है वो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 7 दे रखी है, डिवाइडेड बाय 10 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 into 10 to the power 6 हो जाएगा। इसमें ने 6 into 10 की power 10 6 दे रखा है। 6 into radius of earth is 6 into 10 square. Radius और जो है वो 6 into 10 to the power 6. तो ये आ जाएगा R is equal to 6 into 10 to the power 6 divided by 10 करेंगे तो R की value हो जाएगी 6 into 10 to the power 5. ठीक है? तो ये वाली value आ गई। तो ये R की value और ये GP की वैल्यू, इन सब को यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से जो फोर्स अपना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा लैम्डा इनटू GP आ जाएगा 1, और लैम्डा की भी वैल्यू दे रखी है 10 की पावर माइनस 3, तो ये है 10 टू दी पावर माइनस 3 इनटू 1 इनटू 9 इनटू 9 इनटू R is 6 इनटू 10 टू दी पावर 5, है ना, 6 इनटू 10 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 into 25,
है ना, डिवाइडेड बाई 2 × 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एफ कितना आ जाएगा, मे बी अगर इसको देखें इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर ले तो ये 100, 30, 20, 30, 50 और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 108 न्यूटन, है ना, ये सॉल्व करके 108 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो अपने पास आ गया, हमारा जो आंसर है ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा 108। बिल्कुल सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, उसमें बोल रहा था कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज एट अ हाइट स्मॉल एच अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इफ रेडियस इज कैपिटल आर। सो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो मिनिमम पोल एटीट्यूड कैलकुलेट करना है और दूसरा ये कैलकुलेट करना है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ पर कितना एरिया कवर नहीं कर पा रहा। तो यदि मैं इस गिवन डायग्राम से बात करता हूं तो इस सिचुएशन में ये अपना जो एंगल होता ना सर, ये वाला, दिस इज द मिनिमम क्वालिटी। तो ये यहां से यदि मैं देखो ये एंगल तो 90, ये वाली हाइट अपने पास, ये वाली डिस्टेंस होगी आर प्लस एच। तो इस ट्राइंगल से यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहूं, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस, सो इट इज आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो मिनिमम एंगल जो अपने पास आ रहा है दैट इज टू साइन इनवर्स, सॉरी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर अपॉन आर प्लस एच। दूसरा हमें जो कैलकुलेट करना है कि वो कितना एरिया रिमेनिंग रह गया, तो अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना एरिया कवर हो रहा है, तो रिमेनिंग एरिया तो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपन किसी स्पीयर को लेकर यदि बात करें और यदि उस स्पीयर में ये वाला एंगल यदि फाई होता है तो ये जो इसका टोटल एरिया आता है दैट एरिया कम्स एज फाई, सॉरी इट इज 2π आर स्क्वायर 1 − cos φ, दिस विल बी द एरिया। ये फाई एंगल के बेसिस पर यदि अपन डिफाइन करें तो ये वाला एरिया आता है। अब ये एरिया आया तो ये वाला एंगल ये फाई है, ये वाला एंगल थीटा, so phi can be say that's phi is equals to pi by 2 minus theta and cos pi by 2 minus theta is sin theta। तो जो area cover कर रहा है that area is 2π r square साथ में 1 minus sin theta। तो यदि अपन इसके remaining area को लेकर बात करें तो total area जो है that is 4π r square, so remaining area will be 2π capital R square 1 plus sin theta। इतना एरिया जो है वो सैटेलाइट कवर नहीं कर पाएगी अर्थ पर। तो इसमें करेक्ट आंसर्स की यदि अपन बात करें, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर एंड थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मास एंड एन इनफिनिट रॉड ऑफ वेरिंग मास डेंसिटी लैम्डा सच दैट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाय एक्स वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मास एम, given that the mass m is placed at a distance d from the end of the rod on its axis as shown in figure। So question bahut simple hai, tumhare paas ek particle hai jiska mass m yahan par hai aur yahan se d distance se ek rod start hota hai, theek hai, aur rod ka jo linear mass density hai wo lambda by x hai na, is tarah se change ho raha hai, tumhe batana hai is mass ke upar kitna force lag raha hoga, theek hai। To is question ko hum solve kare तो देखते हैं, लेट से हमारा पार्टिकल यहां पर है और यहां से d डिस्टेंस पर ये हमारा रॉड है, ठीक है। x डिस्टेंस पर मे बी एक छोटा सा हम लोग ये लेंथ ले लें dx, इसका मास हम लोग अगर dm लिखेंगे तो ये लैम्डा dx होगा और लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा बाय x इंटू dx, तो ये हमारा dm हो जाएगा। इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच अगर हम लोग फोर्स लिखते हैं df, तो df बराबर हो जाएगा g इंटू m इनटू dm हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय x इनटू dx डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लो कहां से कहां तक, d से लेकर के इनफिनिटी तक, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन df f हो जाएगा, यहां से लिखेंगे gm लैम्डा और 1 बाय यहां पर आ जाएगा 1 by x cube into dx, तो यहां से लिखेंगे gm लैम्डा और 1 by x cube को इंटीग्रेट करेंगे
हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करते हैं डी से लेकर के इनफिनिटी तक। तो ये फोर्स एफ की जो वैल्यू आ जाएगी है ना, फोर्स एफ की वैल्यू आ जाएगी जी एम लैम्डा, तो ये हो जाएगा जी एम लैम्डा है ना, और डिवाइडेड बाय टू डी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू डी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। चलिए सर, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ये आंसर बिल्कुल ऑप्शन नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन द फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ आर्क ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा सबटेंडिंग एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर। की कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये एक आर्क है अपने पास, और ये आर्क जो है ये इसके सेंटर पर 2 अल्फा का एंगल फॉर्म कर रही है। तो लेट सपोज ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा, मेरे को इस वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो पोटेंशियल तो बहुत सिंपल सा इस केस में कि मैंने कहा मान लो यहां पर अपन ने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का मास मेरे पास डीएम है, तो उस एलिमेंट की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल विल बी माइनस जी डीएम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो टोटल पोटेंशियल के लिए तो वेरिएबल केवल और केवल मास है, और समेशन ऑफ डीएम दैट मींस द टोटल मास, टोटल मास की यदि अपन बात करें, सो दिस वैल्यू इज माइनस जी बाय आर into में dm, that is the total mass, that is lambda into r into 2 alpha, एक r तो cancel out हो गया, this value comes as minus 2 z lambda alpha, this is the gravitational potential, बहुत simply। अब यदि अपन field को लेकर बात करें, तो हम इसमें एक element assume कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो element है, let's suppose ये यहाँ से theta angle पर है, और center पर ये जो element है, वो d theta का angle form कर रहा है। सिमिलरली मैं दूसरे साइड में भी एक एलिमेंट अज्यूम कर लेता हूं सेम मास का सेम एंगल पर, तो यदि अपन इन दोनों से बात करेंगे तो ड्यू टू दिस एलिमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस एलिमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, और दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी, दैट स्ट्रेंथ विल बी जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि मैं उनके कंपोनेंट लूंगा, ये वाला कंपोनेंट तो होगा डीई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। सिमिलरली इसका जो कंपोनेंट लेंगे इधर वाले डीई का, ये भी अपने पास इधर आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और इसका इधर वाला जो कंपोनेंट अपने पास आएगा दैट विल बी डीई साइन थीटा। तो डीई साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर डीई एक्स बिकम्स 2 डीई कॉस थीटा। अब इसमें सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो लिमिट लगा रहे होते हैं ना, यदि अपन इसको 2 टाइम्स करेंगे तो इंटीग्रेशन केवल हाफ का ही करना है, और यदि अपन सिंगल पार्ट लेते तो इंटीग्रेशन पूरे करना है, क्योंकि एक बार में दो दो पॉइंट बिल्कुल जोड़ हो रहा है, तो आधे में ही पूरा इंटीग्रेशन। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो हमेशा कंप्लीट लेकर और इसको भी डबल कर देते हैं। तो dx की यदि मैं बात करूंगा दैट वैल्यू विल बी 2 g dm, dm इज लैम्डा r into d थीटा, तो ये वाला एंगल d थीटा, तो इस आर्क की जो लेंथ होगी दैट विल बी r d थीटा, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो लैम्डा r d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, साथ में अपने पास cos थीटा, एक r तो सही हो गया, दिस वैल्यू कम्स इज 2 g लैम्डा अपॉन कैपिटल r, ये cos थीटा d थीटा, टोटल के लिए अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे px एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू अल्फा, तो वैल्यू अपने पास cos अल्फा का इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो वैल्यू कम्स एज 2z लैम्डा अपॉन r, और sin थीटा में वैल्यू पुट की sin अल्फा माइनस 0, sin 0 इज 0, सो दिस वैल्यू इज 2z लैम्डा sin अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल r, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो ऑप्शन तो अपने पास है नहीं, दिस विल बी दी आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत सिंपल है। द रेशियो बिटवीन द हाइट एच ऑफ द माउंटेन एंड द डेप्थ एच ऑफ अ माइन इफ अ पेंडुलम स्विंग्स विद द सेम पीरियड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड एट द बॉटम ऑफ द माइन, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट्स से ये हमारे पास हमारा अर्थ का सरफेस है, यहां माउंटेन के हाइट पर कोई पॉइंट है, यहां माइन के अंदर कोई पॉइंट है, यहां पर पेंडुलम का टाइम पीरियड और यहां पर पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। और ये जो हाइट है ये हाइट h दे रखी है, और ये जो डेप्थ है ये डेप्थ d दे रखा है, डेप्थ स्मॉल h है ना।
ये हाइट जो है डेप्थ स्मॉल एच है ना, ओके डेप्थ जो है वो स्मॉल एच दे रखी है बिल्कुल और हाइट कैपिटल एच दे रखी है, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर हम देखें टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अगर हम लोग इन जनरल देखें तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी जी, और अगर टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम है। तो हाइट एच पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखें तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट इनटू 1 माइनस 2 एच डिवाइडेड बाय आर, और डेप्थ अगर स्मॉल एच पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा g नॉट इनटू 1 माइनस h डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करके अपने को दिख रहा है कि ये जो 2h है ये स्मॉल h के बराबर है, तो यहां से यदि हम लोग h डिवाइडेड बाय स्मॉल h लिखेंगे तो ये आंसर 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट थ्री स्मॉल आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास स्मॉल m आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट with same angular velocity, if the separation between any two bodies is capital R, then the find the period of revolution and the total energy possessed by this system. मतलब situation कुछ इस type की है कि ये एक circle है, इस circle में तीन bodies हैं और सबके बीच का separation जो है वो capital R है, that means इस circle का radius small r जो होगा that value will be capital R डिवाइडेड बाई रूट थ्री। तो जब ये इसके अंदर रिवोल्व कर रहे हैं तो इस पर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन लगेगा, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास स्मॉल एम, तो इस पर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन लगेगा जी एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर भी लग रहा होगा जी एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसके अलावा यदि ये वी स्पीड से रिवोल्व कर रहा है तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यदि इन दोनों फोर्सेस को देखें तो ये और ये मैग्नीट्यूड में इक्वल और 60 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू अपने पास रूट थ्री जीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगी, और इसकी वैल्यू एमवी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल है एंड आर इज कैपिटल आर बाय रूट थ्री, तो अपना रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया, एक आर कैंसिल आउट हो गया, एक एम कैंसिल आउट हो गया, तो द स्पीड विथ विच दे आर रिवॉल्विंग इज जीएम अपॉन कैपिटल आर। यहां से अपने पास स्पीड आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, तो आर दिस स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर, दिस वैल्यू इज 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय रूट थ्री, स्मॉल आर इज कैपिटल आर बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय वी, तो वी को अपन पुट करेंगे दिस इज आर divided by gm, so this will be the time period of revolution, first part का answer। second इन्होंने पूछा है कि इस system की total energy calculate करके बतानी, तो इस system के पास दो type की energy होंगी, kinetic energy और potential energy, तो total energy में kinetic तो अपने पास हो जाएगा 3 by 2 mv square, एक particle की mv square, तो 3 की 3 by 2 mv square, और potential energy जो होगी, दो दो के pair बनाएंगे तो तीन pair बनेंगे, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस थ्री जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। यदि अपन इसकी वैल्यू पुट करें देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3 बाय 2 एम वी इज इक्वल टू जी एम बाय आर, सो इट इज जी एम बाय आर माइनस में 3 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, दिस इज 3 बाय 2 एंड दिस वन इज 3, सो द टोटल एनर्जी इज माइनस 3 बाय 2 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ डबल स्टार सिस्टम ऑफ टू स्टार रोटेटिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास ओनली अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, लेट द स्टार्स हैव मास m एंड 2m एंड लेट देयर सेपरेशन बी l, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास विल बी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे पास दो स्टार ले लेते हैं, एक का मास m ले लेते हैं, एक का मास 2m ले लेते हैं, यहां कहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला जो पार्टिकल है ये भी इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कल में मूव करेगा, और ये वाला पार्टिकल जो है ये भी इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस l है, तो लेट्स इसको मैं फर्स्ट पार्टिकल बोल देता हूँ, उसको सेकंड पार्टिकल बोल देता हूँ,
एंड लेट से यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी आर वन, ठीक है, और जो ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस एल है। तो हमें सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से पता है कि लेट से हमें आर वन लिखना होता है तो आर वन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये आर वन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इंटू टू एम डिवाइडेड बाय थ्री एम डिवाइडेड बाय थ्री एम। तो आर वन की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी ट्वेल्व बाय थ्री, है ना, ये हो जाएगी ट्वेल्व बाय थ्री। अब देखें इस पार्टिकल पे अगर हम लोग फोर्स देखेंगे, है ना, इस पार्टिकल पे अगर फोर्स देखें, इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा जो कि इन दोनों के बीच में होगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रिपेटल फोर्स के जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल। तो इसके बीच अगर हम लोग फोर्स लिखेंगे तो ये हम लोग लिख लेते हैं जी इंटू एम इंटू टू एम डिवाइडेड बाय, और इस पार्टिकल का जो रेडियस होगा वो आर वन के बराबर होगा। तो तो अगर हम लोग यहां पर देखें ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये दोनों पार्टिकल के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर होगा, तो यहां से लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो आर वन, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वन, ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2gm डिवाइडेड बाय l स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r1 को लिख सकते हैं 12 बाय 3 12 बाय 3, है ना सर, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, बिल्कुल सर। तो लेट्स से यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3gm डिवाइडेड बाय 2l क्यूब डिवाइडेड बाय l क्यूब 3gm अपॉन l gm डिवाइडेड बाय एल क्यूब डिवाइडेड बाय एल क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3gm डिवाइडेड बाय एल क्यूब, और ये ओमेगा किसके बराबर होता है, ये 2 पाई बाय टी के बराबर होता है। तो यहां से अगर हमें टाइम पीरियड लिखना हो तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3gm। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है सर, मतलब बात समझ में आ गई तो हिट है, वरना लेके बैठे रहो उसको। ये बोल रहा था ग्रेविटेशनल फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो यहां से यदि अपन बात करें तो फील्ड जो है उसका एक्स कंपोनेंट है 3 और वाई कंपोनेंट है 4। यदि अपन उसमें बात करें तो ये 3 और ये 4 और इसका जो ये वाला एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज 53 डिग्री। नाउ फाइंड आउट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 9। तो यदि मैं इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा सजा के लिखूं, दिस बिकम्स इज 3 बाई 4 एक्स प्लस 9 बाई 4, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज 3 बाई 4, दैट मीन्स इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज 37 डिग्री। तो ये जो लाइन होगी ये यहां से 37 डिग्री पर है, तो पार्टिकल का मूवमेंट जिस लाइन के अलोंग हो रहा है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फील्ड का जो वर्क डन होगा इस केस में दैट वर्क डन विल बी जीरो। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जीरो। यदि अपन इसको डायग्राम बना के और सीधा सोल्व करें तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थिंक जेई एडवांस का है सर ये भी। जी, यहां पर है अ लार्ज स्फेरिकल मास कैपिटल एम इज फिक्स्ड एट वन पोजीशन एंड टू आइडेंटिकल पॉइंट मास स्मॉल एम आर केप्ट ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, द पॉइंट मासेस आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल, यहां पे लेंथ एल है, ठीक है, एंड दे कैन मूव टूगेदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, कंसिडर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द पॉइंट नियर टू कैपिटल एम इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू 3l। ये जो डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है और ये 3l बता रहे हैं, ठीक है, टेंशन इन द रॉड इज जीरो, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखी है के कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 288, तो के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन में, सॉरी बिल्कुल सर, देखते हैं इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेंगे।
ठीक है, अगर मैं इस पार्टिकल पे देखूं तो ये स्मॉल m एक फोर्स इधर लगाएगा, ये कैपिटल m एक फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है, और अगर मैं इस स्मॉल m पर देखूं तो ये कैपिटल m एक फोर्स इधर लगाएगा और एक स्मॉल m एक फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। यदि इस रॉड में है ना, इस रॉड में यदि टेंशन जीरो है ना, टेंशन जीरो है, तो टेंशन जीरो कब होगा? टेंशन जीरो तब होगा जबकि मैं कहूंगा कि इस पार्टिकल पे टेंशन के अलावा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल है ना, वो सारे इक्वल हो जाएंगे, मासेस भी इक्वल है तो उनका एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इस वाले पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट साइड में है, इस वाले पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहां पर देखें तो ये वाला फोर्स जो है ये कैपिटल एम के कारण है, ये वाला फोर्स स्मॉल एम के कारण है, तो यहां मैं लिखूंगा कैपिटल एम के कारण फोर्स माइनस स्मॉल एम के कारण फोर्स, और ये बराबर होना चाहिए किसके, यहाँ यहाँ पर जो ये जो भी दो फोर्स लग रहे हैं उनके सम के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, चलिए। तो यहां से देखें ये हमारा कैपिटल एम है और यहां पर एक स्मॉल एम है, यहां पर एक स्मॉल एम है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये एल है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 3L है, ये जो मास है ये कैपिटल है, तो मैं कह रहा हूं इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्सेस देखेंगे और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जी एम एम डिवाइडेड बाई 3L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9L स्क्वायर, है ना, और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्मॉल एम पर देखते हैं, स्मॉल एम पे स्मॉल एम फोर्स लगाएगा तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और स्मॉल एम पे कैपिटल एम फोर्स लगाएगा ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 4L होगा, तो ये हो जाएगा 16L स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसको लिख लेंगे जी एम एम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 माइनस, है ना, 1/9 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 2gm² डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर काट दे, g स्मॉल m और एक g स्मॉल m भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा कैपिटल m, ये हो जाएगा 9 × 16 और ऊपर बचेगा 7 इज इक्वल टू 2 times smaller, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, है ना, स्मॉल m की बात करें तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स कैपिटल m डिवाइडेड बाय 2 × 9 × 16, है ना, इसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे ना तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दैट अ स्फीयर ऑफ रेडियस r has its center at origin, it has a uniform mass density rho naught, except that there is a spherical hole in the radius small r is equals to capital R by 2, whose center is at x is equals to R by 2 as in figure, so that the gravitational field inside the hole is uniform, find its magnitude and direction. तो ये एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट भी है और इसमें बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं कि यदि किसी भी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की स्पेरिकल बॉडी में यदि अपन कैविटी क्रिएट कर देते हैं तो उस कैविटी में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपन यूज करते हैं सेम मैनर में। तो यदि मैं उसको देखना चाहूं कि वो किस टाइप से होगा, तो लेट सपोज कि इस पार्टिकल पे ये जो कैविटी है इसके सेंटर का पोजिशन वेक्टर जो है, कैविटी के सेंटर का पोजिशन वेक्टर है आर वेक्टर। मैंने क्या किया कि कैविटी के इनसाइड में एक पॉइंट लिया, वेरिएबल पॉइंट, जिसका पोजिशन वेक्टर कैविटी के सेंटर के रेस्पेक्ट में एक्स वेक्टर है और इसके मास इसके कंपैरिजन में वाई वेक्टर है, कंप्लीट स्फीयर के सेंटर में। और यदि मैं वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहूं तो उसकी वैल्यू कंप्लीट स्फीयर की वजह से माइनस कैविटी की वजह से, बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू जो अपने पास आती है, दिस वैल्यू इज, यदि अपन माइनस जी एम आर अपॉन कैपिटल आर वाले डाटा को रो के टर्म्स में प्लेट करें तो जी बाय आर क्यूब दिस मास रो इंटू 4/3 π कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, सो दिस वैल्यू कम्स एज 4/4 π z रो डिवाइडेड बाय 3 इंटू माई स्मॉल आर।
और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो लेट्स सपोज मैं इसको कोई कांस्टेंट कह देता हूं कैपिटल ए। तो अब मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो केवल आर के फंक्शन के फॉर्म में आ गई। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले लूं, दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। यदि पॉइंट वन पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखूंगा मैं, देन दैट वैल्यू विल बी माइनस ए आर वेक्टर सेंटर पे जो होगी, कैविटी के सेंटर पे। और इस पॉइंट टू पर यदि मैं देखना चाहूं तो ई टू की वैल्यू कंप्लीट स्पीयर की वजह से माइनस ए वाई वेक्टर, माइनस ड्यू टू कैविटी का जितना मास है उसकी वजह से। तो कैविटी वाले मास की वजह से मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस ए एक्स वेक्टर। तो यदि मैं इसमें से माइनस ए कॉमन ले लूं, दिस वैल्यू बिकम्स वाई वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। अब यदि अपन इस ट्राइंगल में देखें तो ये आर वेक्टर है, ये एक्स वेक्टर है। तो ट्राइंगल लो लगा दे, वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर। तो वाई माइनस एक्स मेरे पास आर वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो पॉइंट टू पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही आ रही है जितनी की सेंटर पे। मतलब आप कैविटी का कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो अब इस वाले केस में जो अपने को गिवन सिचुएशन है उसमें केस कुछ ऐसा है कि ये स्पीयर और इसके ये कैविटी है और कैविटी के सेंटर पर चाहिए। तो कैविटी के सेंटर पर जो डायरेक्शन होगी वो तो इधर होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, और उसकी वैल्यू मेरे पास होगी माइनस ए इंटू आर बाई टू इंटू आई कैप, फिर आर विल बी माइनस फोर बाई थ्री, तो टू बाई थ्री टू पाई जी रो आर डिवाइडेड बाई थ्री आई कैप, दिस विल बी द आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the gravitational field on the surface of moon is 1/6 of the gravitational field on the surface of earth, ठीक है, तो moon पे जो है 1/6 times earth के बराबर है। Radius of the moon is 1/4 times the radius of the earth. Find out the ratio of the masses of the moon and the earth. It's very simple, ठीक है। तो moon पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे g mass of moon m1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून को हम लोग लिख सकते हैं आर बाय फोर, आर बाय फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ को एम ई लिख देते हैं डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, लेट्स सी ये जी कैंसिल हो जाएगा और जी कैंसिल हो जाएगा। और हमें पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द मून एंड द अर्थ। तो यहां से अगर हम लोग मून का मास एम वन डिवाइडेड बाय अर्थ का मास एम ई अगर ऐसा लिखेंगे तो यहां पर तो 1/6 है और यहां पर हो जाएगा 16, तो इनटू में आ जाएगा 1/16। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर, रेशियो विल बी 1/96। चलो चलिए सर, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है दैट अ मीटियोराइट अप्रोचिंग ए प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम इन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट कोलाइड्स विद एन ऑटोमेटिक स्पेस स्टेशन orbiting the planet in a circular trajectory of radius capital R. The mass of the station is 10 times large as the mass of meteorite. As a result of the collision, the meteorite sticks in the station, which goes over a new orbit with the minimum distance R by 2 from the planet. Determine the velocity U of the meteorite before the collision. मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे ये मेरे पास प्लैनेट है और इसका मास है मेरे पास कैपिटल है। यहां पर एक स्पेस स्टेशन इसके अराउंड ऑर्बिट में है और उसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है इनिशियली। तो यदि मैं इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूंगा तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो वो कह रहा है कि एक मीटियोराइट इस साइड से आ रहा है और बिल्कुल रेडियली मूव करता हुआ यू स्पीड से इसके साथ कोलाइड कर रहा है। स्टेशन का मास 10 m, मीटियोराइट का m, तो मेरे को जस्ट बिफोर द कोलिजन मीटियोराइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है सो दैट कि आफ्टर कोलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि ये कंबाइंड मास कुछ इस टाइप से मूव करता हुआ इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करे और इस इलेप्टिकल ऑर्बिट की यहां से जो मिनिमम डिस्टेंस हो दैट इज r बाई टू टू। तो इस क्वेश्चन में यदि अपन देखें तो सबसे पहले तो यदि मैं इन तीनों को एक सिस्टम मान लू तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हमने कहा मान लो कोलिजन के जस्ट बाद इस सिस्टम के पास इस डायरेक्शन में
एक वेलोसिटी वी वन आ जाती है और ये यहां से थीटा एंगल पर मूव करता हुआ जाता है। तो मैं दो तीन चीजें जो इसमें अप्लाई कर सकता हूं, एक तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, कोलिजन की बात है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो मेरे को ये कहेगा कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है वाई डायरेक्शन में एम यू जी कैन एंड एक्स डायरेक्शन में इट इज 10 m इनटू वी नॉट आई कैन, और जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 m वी वन कॉस थीटा आई कैन माइनस 11 m वी वन साइन थीटा जी कैन। तो यदि मैं x और y कंपोनेंट को कंपेयर कर लूं तो u की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 11v1 sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड यदि मैं j i कैप को कंपेयर करता हूं तो 10v0 जो है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 11v1 cos थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक तो अपने पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आ गया। यहां पर स्पीड है इसकी v1 और हम यदि अज्यूम कर लें इस वाले पॉइंट पर लेट्स सपोज इसके पास स्पीड है v2, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अब दो चीजें कोलिजन के बाद अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो तो अपने पास आ गया, यहां पर ये वाला एंगल इनके बीच थीटा, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी v1 cos थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से वी कैन अप्लाई दैट 11 m v1 cos थीटा इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इज इक्वल टू इस वाले पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम मास 11 m वेलोसिटी v2 इनटू r / 2। 11 m इनटू v2 इनटू r / 2, तो 11 m तो कैंसिल आउट हो गया, तो v1 cos थीटा जो है वो मेरे पास v2 बराबर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एनर्जी कंजर्व कर लें, अब अपन एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स पर एनर्जी कंजर्वेशन यदि अपन अप्लाई करें तो माइनस जी कैपिटल एम इनटू 11 m बाय आर प्लस हाफ एम 11 m इनटू v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम इनटू 11 m डिवाइडेड बाय द सेपरेशन आर बाय 2 प्लस हाफ एम इनटू हाफ 11 m इनटू v2 स्क्वायर। 11 m तो सीधा सीधा अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा सारे टर्म्स से, बिल्कुल। और v1 v2 ये वाली वैल्यूज है, v2 के प्लेस पर अपन यहां से v1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहां से v1 cos थीटा की वैल्यू हुई v0 और u के टर्म्स में अपन प्लेस कर सकते हैं। तो यदि सारी वैल्यूज अपन इस इक्वेशन में पुट करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी जो है दैट विल बी अंडर रूट 58 gm / r, दिस विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो कंसेप्ट की चीजें जो थी, मतलब अपन कैलकुलेटिव बात को बेटा हम आप पे छोड़ते हैं, हम कंसेप्ट की बात करते हैं। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह भी है कि एक तो आप यहां पर कोलिजन से पहले और बाद में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराइए, कोलिजन के बाद इस वाले पॉइंट पर मूव कर रहा है, इलेप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन परसिस्टेंट एनर्जी कंजर्व, बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला फोर्स है। तो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कीजिए, फाइनल आंसर u इज इक्वल टू अंडर रूट 58 gm / r। चलिए सर आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये क्वेश्चन जो है मतलब कॉन्सेप्ट वाइज जो है बहुत सिमिलर है जो कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर बहुत सिंपल है कि यहां पर एक पार्टिकल है ना, जिसको हमने v1 स्पीड से यहां से 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और ये वेलोसिटी v1 पूछी है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि इलेप्टिकल पाथ में मूव करता हुआ आए और अर्थ के सरफेस को ग्रेज करता हुआ बाहर निकल जाए। लेट्स इस जगह पर स्पीड हम लोग v2 बता रहे हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन बस इतना ही है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में जो है करना क्या है, क्योंकि ये इलेप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है और जब कोई सैटेलाइट या कोई पार्टिकल इलेप्टिकल पाथ में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर अगर मूव करता है तो हम लोग दो काम कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और और यहां पर देखेंगे अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर मैं स्पीड यहां पर v2 कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, बिल्कुल सर। तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम
जो हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू, है ना, अगर आप देखें तो वेलोसिटी का हमें ये वाला कंपोनेंट लेना चाहिए था, ये जो है ये अर्थ का सेंटर था, ये रेडियस 4r था, ये डिस्टेंस r था और ये स्पीड v2 थी और दिस वाज आवर r, ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम था हमारे पास। तो ये हो जाएगा m इनटू वेलोसिटी हो जाएगी v1 बाय 2 इनटू 4r इज इक्वल टू m इनटू v2 इनटू r। तो ये m इनटू r और ये m इनटू r, ये इसके साथ 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो v2 की वैल्यू हो जाएगी 2v1। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का कंजर्व कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे हाफ एम वी वन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 4 आर इज इक्वल टू फाइनल। इस पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये लिखेंगे हाफ एम वी टू स्क्वायर, वी टू को 2v1 लिख देते हैं, है ना, ये हो जाएगा 2v1 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर आर, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये एन बाई टू यहां से कैंसिल हो जाएगा, एन बाई टू यहां से कैंसिल हो जाएगा, एन बाई टू यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये यहां से एन बाय टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बचेगा वी वन स्क्वायर और यहां बचेगा 4v1 स्क्वायर, तो ये यहां पर आकर के बचेगा 3v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां बचेगा 2gm बाय r माइनस gm बाय 2r, ठीक है, 2gm बाय r माइनस gm बाय 2r, gm बाय 2r, तो ये सॉल्व होकर के हो जाएगा 3gm बाय 3gm by 2r, है ना, मे बी इसे 3 और 3 कैंसिल कर देंगे तो v1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट gm gm डिवाइडेड बाय 2r, है ना। सो दिस विल बी द आंसर, ओके, चलो, ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो ग्रेविटेशनल में हमने उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जो मेनली आपको प्रॉब्लम देते हैं, लाइक प्लैनेटरी मोशन के एस्केप वेलोसिटी वाले वो क्वेश्चंस जहां पर अपने को थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है। तो मिलते हैं फिर डियर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन एसएचएम कवर करेंगे, ठीक है सर, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।